इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 बजे की 9 बड़ी खबरों का। शुरुआत आज की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर से कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन के बाद देश कैसे उन्हें याद कर रहा है, किसने कहा फ्लाइंग सिख की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दिया क्या भावुक संदेश। एक खिलाड़ी जो दौड़ता नहीं उड़ता था, देश का पहला ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार अब हमारे बीच नहीं है, अलविदा फ्लाइंग सिख। देश की शान, देश के गोल्डन सपूत, एथलेटिक्स की दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। रात 11:30 बजे चंडीगढ़ के पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांसें ली। 91 साल के मिल्खा सिंह 20 मई को कोरोना पॉजिटिव हुए और 24 मई को उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 30 मई को वापस घर लौट आए थे। तबियत खराब होने पर 3 जून को उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती किया गया था। 13 जून को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। कोरोना से रिकवर होने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी। कल देर रात उनकी तबियत फिर से बिगड़ गई। डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं जा सका। तो मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने भारत का नाम ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में पूरे दुनिया में रोशन किया, वो हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल के थे। 1960 ओलंपिक्स में वो मेडल से चूक गए थे लेकिन एशियाई गेम्स से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक उन्होंने गोल्ड मेडल्स की बरसात कर दी थी। 38 साल तक 400 मीटर की रेस का नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम पर ही था। दुनिया के कई कीर्तिमान उनके नाम थे। महज 5 दिन पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था और 5 दिन बाद खुद उनका देहांत हो गया। एक दौर था जब मिल्खा सिंह के ट्रैक पर उतरने का मतलब होता था गोल्ड मेडल। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट रहे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा ने 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक्स में हुए 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक से मामूली अंतर पर चूक गए थे। रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ 45.73 सेकंड में पूरी की थी। वो जर्मनी के एथलीट कार्ल कुफमैन से सेकंड के 100वें हिस्से से भी पिछड़ गए थे लेकिन ये टाइमिंग अगले 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। मिल्खा सिंह के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। उनका असंख्य लोगों के दिलों में विशेष स्थान था। उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके निधन से आहत हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून को मिल्खा सिंह से फोन पर बात की थी। प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह से हुई अपनी अंतिम बातचीत को भी याद किया और लिखा, कुछ दिन पहले ही मैंने श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि उनसे यह मेरी आखिरी बातचीत होगी। उनके जीवन के सफर से उभरते खिलाड़ियों को ताकत मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में फैले उनके फैंस के प्रति मेरी असीम संवेदनाएं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, मिल्खा सिंह की आखिरी ख्वाहिश याद रखी जाएगी। एक कार्यक्रम में मिल्खा सिंह जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि देश के नौजवान ओलंपिक्स के एथलेटिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। और हमारे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, पुनीत परिंजा और साथ ही साथ समीप राजगुरु। पुनीत, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिलहाल किस तरह से खबर आप लोगों को मिली और ऐसा क्या होगा कि ठीक हो गए थे, वो नेगेटिव हो गए थे लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। देखिए, लगातार पिछले क्योंकि पिछले महीने की अगर हम बात करें तो 20 तारीख को वो कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। उसके बाद वो लगातार
एक मोहाली के निजी अस्पताल में उपचाराधीन थे। उसके बाद उनको 30 तारीख को छुट्टी भी दे दी गई थी, लेकिन 3 जून को उनका जो ऑक्सीजन था वो अचानक नीचे गिर गया, जिसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनके साथ लगातार जो सेहत में सुधार भी आ रहा था, पीजीआई का जो मेडिकल बुलेटिन आ रहा था, उसे ये कहा भी जाता है कि उनकी स्थिति में काफी सुधार है। लेकिन 5 दिन पहले ही उनकी जो धर्मपत्नी है निर्मला सिंह, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो अंदर अंदर काफी टूट गए, हालांकि वो संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वो कोविड वार्ड में भर्ती थे। तो उसके बाद लगातार उनके जो स्वास्थ्य में जो सुधार था उसमें गति जो धीमी हो गई, और कल अचानक से एकदम से उनका जो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो काफी नीचे गिर गया और उनको बुखार भी जो आ गया था। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन वो कोविड वार्ड में ही थे। और अब क्योंकि रात को 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है, बुखार उनको काफी ज्यादा था, ऑक्सीजन लेवल उनका लगातार नीचे गिर रहा था, और 11:30 बजे पीजीआई की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि जो मिल्खा सिंह है वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और बहरहाल हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, और 3 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचेगा, और 5 बजे कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। जी, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु भी हैं। समीप, जिन लोगों ने मिल्खा सिंह को खेलते हुए नहीं देखा ट्रैक एंड फील्ड में, ज्यादातर जो यंग जनरेशन है, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार उनका व्यक्तित्व क्या था, वो किस मायने में भारत के लिए हीरो थे, जरा आप इसको बताएं। जी हाँ, अगर बात करें हमें तो, अगर आप जो बात अभी कर रहे थे जो रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो विकिपीडिया में या बुक्स में हमें मिल सकती हैं, लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के साथ कई बार मिला, उनके जो बड़े नजदीकी दोस्त थे उनसे मुलाकात हुई, और उनके बाद जो एक इंडिया के बड़े लेजेंडरी एथलीट आए थे अजमेर सिंह, जिन्होंने 400 मीटर और 200 मीटर में कमाल किया था, हालांकि एशियन गोल्ड मेडल वो नहीं ले पाए थे, उनसे भी कई बार मुलाकात हुई, उनसे हम जानते थे मिल्खा सिंह के बारे में। एक तो पहली चीज, मिल्खा सिंह के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है उसमें एक उन्होंने शब्द लिखा प्रेरणा। वाकई में मिल्खा सिंह का जो मिडिल नेम था ना वो इंस्पिरेशन है। मिल्खा सिंह का नाम ऐसा है जिसको लेते ही हम इंस्पायर हो जाते हैं, हमें जोश आ जाता है, उस तरीके का नाम रहा है मिल्खा सिंह। और आपको याद होगा, आप भी जब बड़े होते हुए आपने भी ये महसूस किया होगा, ये एक्सपीरियंस अनुभव किया होगा कि कोई बच्चा तेजी से दौड़ा या आप तेजी से दौड़े तो हर कोई यही कहता था कि बड़ा होकर ये मिल्खा सिंह बनेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन एथलीट अगर हिंदुस्तान ने पैदा किया है तो वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह से बड़ा नाम इस देश में हमने नहीं देखा है। और दूसरी चीज जो विकिपीडिया में नहीं मिलती, और जिस तरीके से मिल्खा सिंह के बारे में रिकॉर्ड्स के बारे में बात की जाती है, कई लोग बोलते हैं कि ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल नहीं लिया, लेकिन मिल्खा सिंह एक नेचुरल एथलीट थे। अगर उनकी एथलेटिक्स जीवन की बात करें, करियर की बात करें, तो उनको आर्मी ने नहीं बनाया था, वो आर्मी में एथलीट बनकर आए थे, ये इनके दोस्त हमेशा बताते हैं। हमेशा से एक धावक थे, एक रेसर थे, एक नेचुरल एथलीट थे, आर्मी ने तो सिर्फ एक मंच दिया और वहां से वो निखर के ऊपर आ गए। और दूसरी चीज, जो रोम ओलंपिक्स में जो मेडल से चूके थे, वो जो टाइमिंग्स जो उन्होंने मिल्खा सिंह ने दर्ज कर रहे थे प्रैक्टिस के दौरान, आपको बता दूं जो मिल्खा सिंह ट्रैक एंड फील्ड में जो प्रैक्टिस कर रहे थे हिंदुस्तान में, उनकी टाइमिंग्स ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ रही थी, ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी कर रही थी हर ट्रायल के दौरान। तो ट्रायल्स में वो ओलंपिक रिकॉर्ड को बेटर करके गए थे, तो उन्हें पूरा यकीन था, भरोसा था कि वो जीतेंगे जरूर, और वही हुआ था। हमें सबको मालूम है, सब कहते हैं पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा था उन्होंने, उन्होंने एक झलक लेने की कोशिश की थी कि कहां है मेरे साथी एथलीट जो साथ में दौड़ रहे हैं, कितना पीछे, और वहीं पर वो थोड़ी सी मात खा गए क्योंकि लगभग बराबरी पर थे। तो मिल्खा सिंह जैसा ग्रेट एथलीट, एक नेचुरल एथलीट इंडिया में ना आज तक पैदा हुआ है। अब उम्मीद यही है कि कम से कम मिल्खा सिंह जैसा एक दूसरा एथलीट बनाया जाए। और जो इंस्पिरेशन मिल्खा सिंह देते थे, जब आप उनसे मिले तो ऐसा लगता था कि आप भी दौड़ने लगेंगे, आप भी दौड़ सकते हैं, तो उस तरीके की पर्सनालिटी थी मिल्खा सिंह की। और सिर्फ एक रेस हारे, हमने जीत जीत की बात की है, लेकिन नेशनल गेम्स 1964 में उनको हराया था उन्हीं के स्टेट के माखन सिंह ने 1964 में। हालांकि माखन सिंह की भी बड़ी दर्दनाक और दुखद कहानी है, बाद में माखन सिंह इतने फेमस नहीं हो पाए, मिल्खा सिंह को हराने पर बड़ा नाम हुआ उनका, लेकिन बाद में बताते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर बने और ट्रक चलाकर उन्होंने अपनी जीवन जीविका कमाई। तो ये है मिल्खा सिंह की कहानी। मिल्खा सिंह कहीं ना कहीं बहुत बड़े, मैं तो उनको कहूंगा कि ऐसे इंस्पिरेशन है मिल्खा सिंह, जो अब आने वाले हिंदुस्तान के जो एथलीट्स हैं उनकी कहानियों से, उनके प्रैक्टिस से, उनके जीवन से, अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या कोचेज हो, मिल्खा सिंह की कहानियां जो है ना वो शेयर करनी चाहिए। उनकी लाइफ एक सेलिब्रेशन है हम सबके लिए, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है जो हिंदुस्तान को देकर गए हमें।
समीर, आपने जो बताया कि उनकी जिंदगी की जो कहानी है सबके लिए इंस्पिरेशन है, आपको मौका मिला कि आपने उनसे मुलाकात की। अच्छा, एक चीज जो समझ में आती है कि आज के वक्त हमेशा कहा जाता है कि एथलीट के पास या फिर स्पोर्ट्समैन के पास वो फैसिलिटीज नहीं है जिससे कि वो कम्पीट कर सके वर्ल्ड लेवल पर। आपने तो उनसे मुलाकात की, जिस वक्त उन्होंने शुरुआत की थी उनके पास क्या था और उन्होंने किस तरह से अपने आप को तैयार किया एक वर्ल्ड स्टेज के लिए? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपने जो बात की, थोड़ा सा मैं उनकी बात याद आई तो मैं मैंने मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर भी आ गई। इतने पॉजिटिव इंसान थे और जब मेरी उनसे करीब 3-4 मुलाकातें हुई हैं पिछले 10-12 साल में। ज्यादा सोशल नहीं थे वो, इवेंट्स में आते थे या बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मिलते थे। लेकिन एक जो मुलाकात हुई जिसमें करीब 15-20 मिनट मिल्खा सर के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला था, तो उसमें उनके पास ना स्पाइक्स थे ना ऐसे कोचेस थे जो इंटरनेशनल लेवल अमेरिका में या फिर जर्मनी में उस जमाने में जिस तरीके की ट्रेनिंग होती थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन उनका हमेशा यही कहना कि मेरे पास ना एक चीज थी जो शायद अमेरिकन और जर्मन में भी इतनी नहीं थी, उनसे भी ज्यादा थी। क्योंकि जो 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 गैप उन्होंने फिल किया ना, जो प्रैक्टिस ना होने का, डाइट का, वो अमेरिकन भी नहीं कर सकते, वो उनसे भी बड़ा गैप था। और वो कहते थे जुनून, मेरा पैशन है जो मुझे खींच कर लेके जाता है। स्पाइक्स की जरूरत नहीं है आपको, कोचेस की जरूरत नहीं है आपको, मैदान की जरूरत नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं आप में पैशन होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। आपको याद दिला दूं, आज से करीब 3-4 आज से शायद पिछले साल की बात है जब कोविड नहीं आया था, एक साल पुरानी बात होगी, जब वो चंडीगढ़ में एक मैराथन हो रही थी तो उसमें वो हिस्सा लेने आए थे। तो वो हमेशा यही कहते हैं जब तक अपनी टांगों में खड़े रहोगे तब तक आपको इज्जत मिलेगी और तब तक आप खुश रहोगे। हमेशा अपनी टांगों में खड़े रहो, बाहर जाओ, दौड़ो और रनिंग करते रहो लाइफ में जब तक आप जिंदा रहो। तो ये उनका एक जुनून था, एक मैसेज था। जब हम सब उनसे मिले थे तो हमेशा यही कहते थे कि कभी भी बिस्तर में मत लेटो और दौड़ते रहो, सुबह उठ के रनिंग जरूर करो, फिट रहो जिंदगी में, हेल्दी रहो। तो ये जुनून जो था, इसलिए आप देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा था कि मिल्खा सिंह आपको कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं थी। उनको बहुत दुख हुआ कि जब उनको कोविड हो गया, कोविड से 91 की एज में आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थे मिल्खा सिंह को। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका एक जुनून था दौड़ने का, रनिंग का, जिसके बारे में मैं शुरुआत में बोल रहा था कि एक नेचुरल एथलीट था। आर्मी ने या कोचेज ने नहीं बनाया उनको, वो तो मंच मिला और वहां से वो निखर कर ऊपर आए। तो ये मिल्खा सिंह थे, जुनून, इंस्पिरेशन सबके लिए। और उनके अंदर वो जो जुनून था उसके बारे में हमेशा कहते थे वही चाहिए आपको अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। आपने सही बोला कि अगर आपके पास वो कहते हैं ना कि फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो विल पावर है तो आप अचीव कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जीता जागता तो वो है, तो है मिल्खा सिंह। पुनीत भी हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, इस वक्त क्या आप उनके घर के बाहर हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो उनके घर पे आना शुरू हो चुके होंगे क्योंकि श्रद्धांजलि दी जाएगी, या फिर कुछ कोविड नियमों को फॉलो किया जाएगा क्योंकि थे तो वो नेगेटिव, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना है? जी बिल्कुल, इस समय मैं उनके घर के बिल्कुल बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपको अगर पीछे तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि पीछे प्रशासन की तरफ से अभी पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं और तमाम यहाँ पे अभी फिलहाल जो उनकी पार्थिव शरीर है वो यहाँ नहीं पहुँचा है। और बाकायदा बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही सारे यहाँ पर जो क्रिया है, अंतिम क्रिया वो होगी। और आप देख सकते हैं कि ये उनका जो घर है मेरे पीछे सेक्टर 8 में, अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ नहीं पहुँचा है। अभी वो जेई में है और उनको क्योंकि 5 बजे के आसपास ऐसा बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और उसी के तहत 3 बजे के आसपास, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे, भले ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन फिर भी कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनके भी 5 दिन पहले ही डेथ हुई है, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। और ऐसे में अब ये प्रशासन की तरफ से भी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किया जाए। हालांकि अंदर उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब अगर आप देखना चाहें तो सामने, अगर मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, कि आप देख सकते हैं कि अंदर जो हल्की फल्की जो उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाकायदा एक जो अंतिम रस्म जो क्रिया है उसको यहाँ पर तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अमित, ये है कि 5 बजे जो है सेक्टर 25 के क्रिमिशन ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। और 3 बजे के आसपास उनके जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर पहुँचेगा, यहाँ पर उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ से, क्योंकि 4 बजे के बाद ही जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है अंतिम संस्कार होता है, तो ऐसे में 5 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार सेक्टर 25 के शमशान घाट में किया जाएगा। जी अमित। अच्छा पुनीत, सरकार की ओर से भी कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है? कोई नेता आएंगे, क्या मंत्री आएंगे श्रद्धांजलि देने, ऐसा कुछ है?
देखिए बिल्कुल जो जो सुबह मैसेज जो आया था सरकार प्रशासन की तरफ से कि स्टेट ऑनर के साथ उनको राजकीय सम्मान के साथ ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम था उनका स्पोर्ट्स की दुनिया में और खासकर 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। और 91 वर्ष तक जब हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव जरूर आ गए थे लेकिन उसके बावजूद जो उनके अंदर जुनून था, जो उनका एक जज्बा था, वो अभी भी एक कायम था और वो हमेशा यही कहते थे कि अगर आपको जिंदा रहना है तो हमेशा खुश मिजाज रहिए और दौड़ में आगे रहिए, अव्वल रहिए। और उनकी एक दिनचर्या भी थी अमित यहाँ पर कि वो सुबह सुखना लेक पर यहाँ पर जाते थे, बकायदा वहाँ पर रनिंग करते थे, लोगों से मिलते थे जुलते थे। और अब जो कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो ऐसे में राजकीय सम्मान के साथ प्रशासन ये कह रहे हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जाहिर तौर पर जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो यहाँ पर जरूर पहुँचेंगे। हालांकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, अमित शाह ने ट्वीट किया है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि कोई ना कोई प्रतिनिधि जो है वो दोनों, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो, दोनों सरकारों की तरफ से यहाँ पर जरूर पहुंचेगा। जी, तो आपने जिक्र किया कि जिंदा दिल थे और एक गाना भी मुझे याद आता है क्योंकि उनके जीवन पर एक फिल्म बनी मिल्खा सिंह की, जिसको फरहान अख्तर ने प्ले किया था। समीप, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि आपने उनके साथ वक्त बिताया है, आपने उन लोगों से मुलाकात की है जो उनको जानते थे, मिल्खा सिंह को। तो जिंदा है तो पूरा भर ले, उनकी जिंदगी कुछ इसी तरह की थी, तो इसको लेकर और क्या बातें आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि फिल्मों में हमने बहुत सारी चीजें देखी, उसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी सारी चीजें थी जो नहीं देखने को मिली। फिल्मों को हम अगर अलग रखें तो बेटर होगा। बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए भी डाली जाती हैं मूवीज में, जो कि मिल्खा सिंह के मूवी में भी हमें दिखी। लेकिन इसके अलावा जो मिल्खा सिंह का जुनून दिखाया गया, मिल्खा सिंह का जिस तरीके से रनिंग दिखाई गई, मेहनत दिखाई गई, वो सारी चीजें बहुत क्लोज टू द रियलिटी थी। और यहां तक कि मिल्खा सिंह ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझसे भी बेहतर एथलीट यहां पर तैयार हो गया है, मूवी का हीरो जो था। तो कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह की अगर बात करें, मिल्खा सिंह जैसा दूसरा एथलीट हिंदुस्तान को मुझे नहीं लगता कभी मिल सकता है। इस जुनून, इस पैशन, इस एज में इतने जुनून के साथ कोई एथलीट आता हुआ मुझे इस समय हिंदुस्तान में ऐसे सिनेरियो में नहीं दिखता है कि मिल्खा सिंह के अंदर जो आग थी जीतने की, वैसी आग मुझे नहीं दिखाई देती, ऐसी भूख मुझे आज की तारीख में नहीं दिखाई देती। मिल्खा सिंह पंजाब ने ना एक से बढ़कर एक अमित एथलीट्स, हॉकी प्लेयर्स हमको दिए हैं, लाजवाब। एक बलबीर सिंह सीनियर जिनके नाम में चंडीगढ़ का हॉकी स्टेडियम अभी फिलहाल किया गया है। तो मिल्खा सिंह की अगर बात करें तो मिल्खा सिंह इंडिया का ऐसा एथलीट था जो शायद हमें दूसरा नहीं मिलने वाला है। मिल्खा सिंह जैसा इतना महान एथलीट और एक पर्सनैलिटी के लिहाज से, एक पर्सनैलिटी के लिहाज से जो इंस्पायर उन्होंने किया है, बहुत सारे एथलीट्स तैयार किए हैं उनको 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 देखने के बाद, बहुत सारे पंजाब के हों या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से के हों, सबने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया, एथलेटिक्स में आके कूदे हैं। तो वो पर्सनालिटी थे मिल्खा सिंह, जब ना सोशल मीडिया था, ना टेलीविजन था, ना कुछ था। 1960 रोम ओलंपिक्स की हम बात करें, वो एथलीट जो जुनून से ट्रायल के दौरान ओलंपिक टाइम ब्रेक करके ओलंपिक टाइम लगातार मीट कर रहा था, सोचिए कितना बड़ा एथलीट था वो। और जब वो चौथे नंबर पर आए हैं, वो जो तीनों चारों एथलीट थे जो अमेरिकन जीता और जर्मन सिल्वर मेडल जर्मन ने लिया था, जो गोल्ड मेडलिस्ट था उसने ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक किया और बाकी तीनों ने यानी कि दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पर ओलंपिक रिकॉर्ड टाइम की बराबरी की। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और क्या किस लेवल के एथलीट थे मिल्खा सिंह, ये अंदाजा लगाना आज की जनरेशन के लिए मुश्किल है। लेकिन उसका वो काम हमारा है, आपका है कि हम बताएं कि हमारे पास कितने बड़े एथलीट थे मिल्खा सिंह, जिनसे इंस्पायर होकर हम अगले लेवल तक जा सकते हैं। जो मेडल उन्होंने 1/100th of a second में खोया, उसको हमें, हमारी अगली जनरेशन को, उस 1/100th of a second को पूरा करना है। तो वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक इंस्पिरेशन है, मिल्खा सिंह एक ऐसा नाम है जिसको हम अपने आप में नाम लेके जोश भर सकते हैं, तो वो मिल्खा सिंह है। और उनके आसपास की, जैसे हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे चंडीगढ़ से, उनका दिनचर्या ऐसा था, जिंदा दिल थे। और वही जो मैंने शुरुआत में बात की, जिंदा दिल, आप उनसे मिलो। मैं जब मिला था तो शायद 89 ईयर्स के थे, या पिछले साल जब वो चंडीगढ़ में जब मैराथन थी शायद, या तो कहीं ना कहीं जो उनका उनका जो जो एक तरीका, वो जो एनर्जी लेवल्स थे वो ऐसे थे जो आपको ये पॉजिटिव कर दे। अगर आप बीमार फील कर रहे हो ना तो मिल्खा सिंह से आप मिलोगे ना, वो उन पर्सनैलिटीज में से थे जिनको मिलने के बाद आपको लगता है कि मैं जोश आ गया, मैं एकदम फिट और मैं दौड़ सकता हूं। ये है मिल्खा सिंह। हिंदुस्तान की वाकई में हर लिहाज से ऑन ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड बहुत बड़ी बात होती है। ऑन ग्राउंड बहुत बड़े स्टार हो, लेकिन क्या ऑफ ग्राउंड भी आप इतने ही बड़े स्टार हो? वो जितना मैदान के बड़े सितारे थे, उससे भी बड़े सितारे मैदान के बाहर थे वो।
तो ये शान है हिंदुस्तान के, मिल्खा सिंह और हमेशा रहेंगे। अच्छा, इसके साथ में एक बस जोड़ देना चाहता हूं, जो किस्सा है कि 1958 में जो एशियन गेम्स हुआ था टोक्यो में, और दौरान 200 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराया था, और उस दौरान माना जाता था कि अब्दुल खालिक जो है द फास्टेस्ट एशियन माना जाता था, और उनको उन्होंने बीट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो कोई मैच होता है तो हम लोग जिस तरह से जोश में देखते हैं, ट्रैक एंड फील्ड में जिसको बोला जाता है फास्टेस्ट एशियन, जिनको हरा देते हैं मिल्खा सिंह, वो भी पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को, तो इस तरह की शख्सियत थी उनकी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें कि आज की जो दुखद खबर है जिसमें हमने खो दिया है देश के एक महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह को, लेकिन आपको बताएं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, समय पर राजगुरु तो हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय खेल मंत्री माफ कीजिएगा किरण रिजिजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो ट्वीट लिखा है उसमें आपने कहा है कि मिल्खा सिंह जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो आखिरी ख्वाहिश है उसको पूरा करेंगे। सर, वो क्या है जरा हमें बताएंगे। जी, जब मिल्खा सिंह जी से मेरा आखिरी बात हुआ था तो उस समय मैंने उनको कहा था, वो मुझे मिलना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपको मिलने के लिए चंडीगढ़ आऊंगा और आपसे बातें करूंगा। तो उस बीच में कोरोना आ गए और मैं नहीं जा पाया, उनसे नहीं मिल पाया, लेकिन कई बातें हुए मेरे उनसे, बहुत सारे चीजें जो हमने चर्चा की है, लेकिन सबसे बड़ा चर्चा ये है कि उनका एक सपना है कि उनके जीते जी एथलेटिक्स में भारत को मेडल लेना है ओलंपिक्स में, क्योंकि हमने कुछ मेडल्स लिए हैं ओलंपिक्स में, जैसे हॉकी में, शूटिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, तो कुछ खेलों में हमने मेडल्स लिए हैं, लेकिन एथलेटिक्स में कभी मेडल नहीं आया ओलंपिक्स में। जो मिल्खा सिंह जी 1960 रोम्स ओलंपिक्स में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से छूट गए थे, तो उनका सपना था कि पूरा करना है और एक मेडल जरूर एथलेटिक्स में लाना है, तो वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसका सपना को पूरा करने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे, और मैं अभी चंडीगढ़ जा रहा हूं, तो मैं उनके परिवार जीव मिल्खा से रेगुलर टच में थे, और कल रात को भी जब मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ तो जीव से मेरा बात हुआ फिर, और मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ और आज फ्यूनरल अटेंड करूंगा, प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके जाऊंगा और मैं खुद भी अपना बातें फैमिली के साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत दुखद एक वक्त है हम सबों के लिए, लेकिन मिल्खा सिंह जी का जो जिंदगी है, उनके जो अचीवमेंट है, उससे हमको बहुत प्रेरणा जो है मिलेगा और आगे मिलते रहेंगे। किरण सर, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को भी कि ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिंदुस्तान में पहली बार आए हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जितना स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे, खुद खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, और किरण सर आप ओलंपिक मूवमेंट के साथ जिस अंदाज में जुड़े हुए हैं इस वक्त, हम लगातार आपको फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसा आप खुद भी खिलाड़ियों को इतना इंस्पायर करते हैं, जाकर मिलते हैं, खेलते हैं उनके साथ, तो कितने बड़े इंस्पिरेशन थे इस प्रेजेंट कॉन्टिजेंट के लिए? आप किस तरीके से मिल्खा सिंह जी के इंस्पिरेशन को लेते थे और आगे ट्रांसफर करते थे, किस तरीके से मिल्खा आपके लिए काम आते थे हमारे प्रेजेंट जनरेशन ऑफ एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया में जब कोई भारत को लोग खेल क्षेत्र में कोई जानते भी नहीं थे, और कभी लोगों ने सोचा भी नहीं कि भारत के लोग भी ओलंपिक्स में खेलते, सिर्फ हॉकी को जानते थे, उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। तो उसके बाद में जब पॉपुलर जो बनाया पूरे भारत को, भारत का खेल को, तो मिल्खा सिंह जी जो रोम ओलंपिक्स के बाद जो उनका एक प्रभाव देश भर में जो पड़ा है और दुनिया के सामने में, तो इसी बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, खेल जगत के लिए सिर्फ नहीं है, वो देश के पूरे पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वो एक इंस्पिरेशन है। तो इसलिए मैं जब उसको बात की है तो वो 91 ईयर्स के हो गए, लेकिन वो सुबह वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद जो भी बोलते हैं इतना क्लियर से बात करते हैं, उनके सोच बहुत क्लियर है, तो जिंदगी के लिए प्रेरणा है कि उस उम्र में
कहां 1960 में सुपरस्टार थे हमारे और आज के युग में भी वो इतने फिट थे और जाते जाते भी काफी संदेश देखे गए। इसलिए वो जब बिस्तर में थे अस्पताल में तब भी उन्होंने जो कहा जो संदेश दिया कि मैं ठीक हूं, मैं कोई परेशानी नहीं, मुझे जो भी हुआ है वो चलो जो भी ये बीमार तो हर इंसान को होता है लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारे, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, जिसको जिंदगी और मौत का जो खेल है वो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो प्रेरणा हमेशा के लिए रहेगी। तो मैं खेल मंत्री होने के नाते मैं उनके बातों को बहुत जगह जिक्र कर चुका हूं खिलाड़ियों के साथ में और युवाओं के साथ, और आगे भी मैं कहूंगा कि भाई हर खिलाड़ी आप देखिए ओलंपिक्स में मेडल लाना है, मिल्खा सिंह जी का सपना को पूरा करना है, तो ये मेरा वादा है खेल मंत्री होने के नाते और हम जरूर करेंगे। सर एक सवाल और किरण सर एक पूछना चाहता था, क्या ये जो एथलेटिक्स में मेडल लाने की बात की, एथलेटिक्स में हम लगातार पीछे गए लेकिन मिल्खा सिंह से जब आपकी बातचीत हुई आपको उन्होंने कहा, क्योंकि आप ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो स्पोर्ट्स से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या ये बात आपको चुभी, क्या अब आप एथलेटिक्स की तरफ, जैसे नीरज चोपड़ा से हमें उम्मीद है कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे, क्या एथलेटिक्स की तरफ और ज्यादा जोर देगी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अंडर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू? तो देखिए हमारे लिए सब खेल बराबर है और एथलेटिक्स को विशेष करके हम नए रूप से देखेंगे और हर खेल हमारे लिए प्रिय है और सब खेले मैं करूंगा, लेकिन अब जो मिल्खा सिंह जी का सपना है पूरा करने के लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। किरण सर एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर बातचीत चल रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि किस तरह से इंस्पायर्ड कर सकते मिल्खा सिंह जी की जिंदगी जो खिलाड़ी वहां पर जाए, क्योंकि बहुत हार्डशिप है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें लोग नहीं कर पाए, तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन वही होता है ना जब आप बहुत मुश्किल दौर से निकलते हैं तो आप जीत हासिल कर पाते हैं, तो आप कैसे रिलेट करके देखते हैं? देखिए जिंदगी में कठिनाई सामना करना खेल के क्षेत्र में हो या कहीं भी हो वो तो करना ही है, खिलाड़ियों के लिए तो हर परिस्थिति का मुकाबला करना उसको आता ही है, तो इसी हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे आज के दिन में भारतीय खिलाड़ी और हमारे सोच बदल चुके हैं, पहले काफी मुश्किल आते थे खिलाड़ियों के सामने में, आज सरकार भारत सरकार की ओर से जो भी हम कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री जी का स्तर से ही पूरा निगरानी करते हैं, तो इसलिए बाकी चीजों का बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए हम पूरा परिस्थिति को संभालते हुए काम करेंगे। किरण सर क्या आप, लगता है शायद ये फोन डिस्कनेक्ट हुआ है यहां पर किरण सर का, लेकिन साफ है कि उन्होंने अमित ये कहा जरूर कि जो मिल्खा सिंह थे वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को भी इंस्पायर करके गए, और बहुत जरूरी होगा इस देश के लिए कि ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में भी हमारी सरकार चाहे वो किरण रिजिजू मिल्खा सिंह जी से इंस्पायर होकर करें या फिर एथलीट्स को इंस्पायर करें, कहीं ना कहीं ट्रैक एंड फील्ड में हिंदुस्तान को आगे आना बहुत जरूरी होगा, और यही आखिरी सपना भी था। देखिए मिल्खा सिंह जी ने जब बात की यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तो उन्होंने यही जिक्र किया कि हमें ट्रैक एंड फील्ड में एक मेडल लाना जरूरी है, उनका सपना है कि वो जीते जिए मेडल देखे ट्रैक एंड फील्ड में, और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार नीरज चोपड़ा जो है जो जैवलिन थ्रोअर है हिंदुस्तान के वो मिल्खा सिंह जी नहीं रहे, लेकिन मिल्खा सिंह जी का आशीर्वाद उन पर जरूर होगा और वो बहुत खुश होंगे जहां भी वो होंगे जब नीरज चोपड़ा ये मेडल ले पाए अगर जैवलिन थ्रो में ट्रैक। बिल्कुल समीप आप जो जिक्र कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कोरोना के काल को हमने लड़ते हुए उसको सहा है और साथ ही साथ उसको हरा के लोग वापस आए, उसी तरह से 2021 में जो होने जा रहे हैं 2020 ओलंपिक्स टोक्यो में उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि एक मेडल तो जरूर आने जा रहा है ट्रैक एंड फील्ड में, जैसा कि आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं। पुनीत भी जुड़े हैं हमारे साथ, पुनीत फिलहाल वहां पर कौन कौन लोग पहुंचे, क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां पर शायद लोग अब श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं मिल्खा सिंह जी के घर पर। देखिए हमें यहाँ पर इस समय कुछ बाहर के लोग तो कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ उनके पारिवारिक लोग जरूर हैं और सामने एक फोटो रखी गई है जिसमें दोनों मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी की जो तस्वीर है ये सामने रखी गई है, और इस पर अभी ये परिवार की तरफ से रखा गया है थोड़ी देर पहले ही, इस पर बाकायदा फूलमाला लगाई गई है और अंदर उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं पारिवारिक मेम्बर हैं वो अंदर हैं, अभी बाहर से अभी कोई नहीं आया है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि 3 बजे के आसपास जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा तब लोग जो है वो यहाँ पर आने शुरू होंगे। बहरहाल अभी ये उनके पारिवारिक मेम्बर ही हैं,
उनके बेटे हैं, उनके नाती हैं, ये तमाम लोग जो हैं इस समय अंदर घर के अंदर मौजूद हैं और यही लोग जो हैं अभी ये बकायदा यहाँ पर तैयारी जो है हम कह सकते हैं इसको कि वो की जा रही है, लेकिन अभी वक्त लगेगा कि जब बाहर से लोग आने शुरू होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त जो है वो करने शुरू कर दिए गए हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचने शुरू हुए हैं और क्योंकि जिस तरह से किरण रिजिजू ने भी बताया तो कि वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ऐसे में जो एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो आप सामने तस्वीरें इस समय देख रहे हैं अमित जी, उनके घर के अंदर की तस्वीरें हैं बकायदा, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर तस्वीर रखी गई है, उनके जो घर के लोग हैं अंदर वो वहाँ पर खड़े हैं और शायद अगरबत्ती जो है वो जलाई जा रही है वहाँ पर, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल परिवार की तरफ से यहाँ पर जो अंतिम क्रिया की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल अभी कोई कहें कि कोई बाहर से कोई लोग अभी आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए वो नहीं पहुंचे क्योंकि अभी उनके परिवार में कौन कौन है, कोविड सेंटर जो है पीजे में जी। उनके परिवार की अगर हम बात करें तो उनके बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह, गोल्फ के प्लेयर हैं काफी बड़े वो भी, और उसके अलावा उनकी बेटियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, पुत्र वधू है, नाती हैं और नातिन हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं वो भी परिवार के यहाँ पर मौजूद हैं। और बहरहाल जो आप तस्वीरें जो सामने समय देख रहे हैं ये परिवार के पूरे मेम्बर हैं। और मैं जो नजर जाती है अंदर तो जब दरवाजा खुलता है अमित, तो अंदर जीव जो मिल्खा सिंह हैं उनके पूरा जो पोर्ट्रेट हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, उनके दौड़ लगाते हुए ये तमाम पोर्ट्रेट जो हैं वो वहाँ पर जोर दिखाई देते हैं और यही जो यादें हैं अब उनकी शेष बची हैं। एक जब मूवी आई थी दौड़ मिल्खा दौड़ की, तो उस समय उन्होंने अपने जूते जो थे वो नीलाम किए थे अमित, 25 लाख में उनके जूते जो थे वो नीलाम हुए थे। उसके पीछे वजह ये थी कि जो दृष्टिहीन लोग थे उनको मदद वो करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने जूते जो थे उस समय नीलाम किए थे, जिनके जो उनको जुदाई जूते जो था मैजिक शूज जो वो बोला जाता था। ये उनकी बेटी हैं जो आप सामने देख रहे हैं, तो ये जितने तमाम रिश्तेदार हैं ये अभी यहां पर पहुंचे हुए हैं जी। जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं मिल्खा सिंह जी के घर की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर अब धीरे धीरे लोग श्रद्धांजलि उन्हें देने पहुंचेंगे, उनके परिवार के लोग फिलहाल वहां नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारी थोड़ी देर पहले केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए मिल्खा सिंह जी को, और साथ ही उनसे हमने बात की क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी मिल्खा सिंह जी से। क्या बातें हुई थी, क्या यादें उन्होंने शेयर की, आप भी सुनिए। किरण सर, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को भी कि ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिंदुस्तान में पहली बार आए हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जितना स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे, खुद खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे एथलेटिक्स हो, हॉकी हो। और किरण सर, आप ओलंपिक मूवमेंट के साथ जिस अंदाज में जुड़े हुए हैं इस वक्त, हम लगातार आपको फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसा आप खुद भी खिलाड़ियों को इतना इंस्पायर करते हैं, जाकर मिलते हैं, खेलते हैं उनके साथ, तो कितने बड़े इंस्पिरेशन थे इस प्रेजेंट कॉन्टिजेंट के लिए। आप किस तरीके से मिल्खा सिंह जी के इंस्पिरेशन को लेते थे और आगे ट्रांसफर करते थे, किस तरीके से मिल्खा आपके लिए काम आते थे हमारे प्रेजेंट जनरेशन ऑफ एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया में जब कोई भारत को लोग खेल क्षेत्र में कोई जानते भी नहीं थे और कभी लोगों ने सोचा भी नहीं कि भारत के लोग भी ओलंपिक्स में खेलते, सिर्फ हॉकी को जानते थे, उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। तो उसके बाद में जब पॉपुलर जो बनाया पूरे भारत को, भारत का खेल को, तो मिल्खा सिंह जी जो रोम ओलंपिक्स के बाद जो उनका एक प्रभाव देश भर में जो पड़ा है और दुनिया के सामने में, तो इसी बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, खेल जगत के लिए सिर्फ नहीं है, वो देश के पूरे पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वो एक इंस्पिरेशन है। तो इसलिए मैं जब उसको बात की है तो 91 ईयर्स के हो गए, लेकिन वो सुबह वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जो भी बोलते हैं इतने क्लियर से बात करते हैं, उनके सोच बहुत क्लियर है, तो जिंदगी के लिए प्रेरणा है कि उस उम्र में कहां 1960 में सुपरस्टार थे हमारे और आज के युग में भी वो इतने फिट थे और जाते जाते भी काफी संदेश देखे गए। इसलिए वो जब बिस्तर में थे अस्पताल में, तब भी उन्होंने जो कहा, जो संदेश दिया कि मैं ठीक हूं, मैं कोई परेशानी नहीं, मुझे जो भी हुआ है वो चलो, जो भी ये बीमार तो हर इंसान को होता है, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारे,
लेकिन अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, जिसको जिंदगी और मौत का जो खेल है वो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो प्रेरणा हमेशा के लिए रहेगी। तो मैं खेल मंत्री होने के नाते मैं उनके बातों को बहुत जगह जिक्र कर चुका हूं खिलाड़ियों के साथ में और युवाओं के साथ, और आगे भी मैं कहूंगा कि भाई हर खिलाड़ी, आप देखिए ओलंपिक्स में मेडल लाना है, आप मिल्खा सिंह जी का सपना को पूरा करना है, तो ये मेरा वादा है खेल मंत्री होने के नाते और हम जरूर करेंगे। सर एक सवाल, तो आपने सुना कि किस तरह से किरेन रिजिजू ने बताया है कि जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि ओलंपिक्स में कम से कम एक हमारे पास एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आना चाहिए, मेडल आना चाहिए, वो ख्वाहिश उनको उम्मीद है कि इस बार पूरी हो सकती है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।